हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी दोस्तों की, जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ गए हो कि अब होगा सबका एडमिशन। तो दोस्तों बिल्कुल सही जगह पर आए हो, अब सबका एडमिशन होगा। क्या है यूनिवर्सिटी का दूसरा रूल यानी न्यू रूल जो आज आया है, तो सब बताऊँगा उसमें। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, ना पसंद आई तो डिसलाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उस रूल की जो यूनिवर्सिटी ने निकाला है कि यानी कि सबके एडमिशन अब कैसे होंगे। तो उससे पहले डाल लेता हूँ आज, यानी आज है लास्ट दिन, यानी कि जो ओपन मेरिट लिस्ट फर्स्ट आई थी उसका जो आज एडमिशन का है वो है लास्ट दिन। तो दोस्तों अभी तक आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है और आपका नाम आ गया है, तो आप पक्का आज डेफिनेटली एडमिशन ले ही लो, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें भरती जा रही हैं। अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में आया है तो डेफिनेटली ले ही लो, चाहे कुछ भी हो एडमिशन ले ही लो। यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है तो आप ऐसा करना, कॉलेज चले जाना और वहाँ पर एक आधे जो मतलब कम होता है डॉक्यूमेंट, उसके बिना भी एडमिशन हो जाता है। बट आपको एक अप्लीकेशन लगानी पड़ती है कि सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट अभी अवेलेबल नहीं है, मतलब एक दो दिन बाद या मैं कल जमा कर दूँगा, ऐसी कुछ अप्लीकेशन लगा लो, उसके बाद एडमिशन कन्फर्म हो जाता है। लेकिन एडमिशन जब कन्फर्म हो जाता है फिर तो चाहे आप 5 दिन में दो एडमिशन, एक फेरी अगर हो जाता है तो फिर वो मतलब यूनिवर्सिटी निरस्त नहीं करती, मतलब इतनी जल्दी तो नहीं करती एक आधे डॉक्यूमेंट के ऊपर, क्योंकि इसमें एक बार मुश्किल से एडमिशन होता है, इसलिए यूनिवर्सिटी बार बार नहीं करती कैंसिल। तो चलिए अब बात करता हूँ कि यूनिवर्सिटी का जो न्यू रूल आया है आज वो क्या है। तो दोस्तों जैसे कि 8 तारीख को रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएंगे और 8 तारीख से 20 तारीख के बीच रजिस्ट्रेशन पर मतलब पोर्टल भरे जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों एक न्यू रूल ये आया है, ये रूल शायद ओल्ड स्टूडेंट के लिए भी है। आपको क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है सेम, उसमें क्या है कि आपको कॉलेज नहीं डालना है और ना ही आपको कोर्स डालना है। दोस्तों ये एक मतलब अजीब सा रूल है, ना तो आप कॉलेज डालोगे और ना ही आप कोर्स डालोगे। अब करना क्या है, इसके बजाय आपको वहाँ पे 10-12 की मार्कशीट जो मतलब आपका नॉर्मल डाटा है वही डालना है। अब फिर क्या करेगा, फिर यूनिवर्सिटी एक ओपन लेटर जारी करेगी आपको, जिसमें कि ना तो आपका कॉलेज का नाम होगा और ना ही आपका मतलब उसमें कुछ ऐसा होगा कि आप BA BSc यानी कोर्स का नाम भी नहीं होगा, ना कॉलेज होगा ना होगा कोर्स, बस आपको वो ओपन लेटर निकालना है। और अब आपको क्या करना है आगे, अब आपको जाना है उन कॉलेजों में जिनमें सीटें बची हुई हैं और वहाँ जाकर आपको मतलब एक फॉर्म दिया जाएगा, अगर वहाँ पे सीट बची हुई है और उन सीटों पर आप एडमिशन लेने के इच्छुक हो तो आपको वहाँ पे जाना है और कॉलेज में जो सीट बची हुई है उनको मतलब भरना है। भरने का तरीका, आपको शायद कॉलेज से एक फॉर्म मिलेगा और फिर आपको वही प्रोसेस होगी, आपको फिर बाहर जाकर एक चालान निकलवाना पड़ेगा फीस रसीद का, प्रोस्पेक्ट का, फिर आपको वही डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे जो जो नॉर्मली बता रखे हैं, 10-12 की मार्कशीट और यही TC CCI जाति डोमिसाइल और आधार कार्ड और फोटो, ये आपको मतलब जो जर्नल डॉक्यूमेंट्स है ये अटैच करने होंगे और फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो रिपीट अगेन। दोस्तों आपको मतलब रजिस्ट्रेशन होगा 8 तारीख को और 8 तारीख को पोर्टल खुलने के बाद 20 तारीख तक रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर ये एक ओपन लेटर जारी करेगी यूनिवर्सिटी, ना तो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ना कोर्स डालना है और ना ही मतलब सब्जेक्ट डालने हैं, बस वो आपको एक तरीके से बोलता हूँ कि एडमिट कार्ड मिल जाएगा। फिर आपको अलग अलग कॉलेजों में जाना है, यानी कि वो एंट्री पास हो जाएगा आपका एडमिशन का, फिर आपको अलग अलग कॉलेजों में जाना है, फिर वहाँ पर देखना है कि सर कितनी सीटें बची हुई हैं, और फिर अगर सीटें बची हुई हैं तो आप बिल्कुल वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, आपकी परसेंटेज भी नहीं देखी जाएगी, परसेंटेज देखी जाएगी बट उसमें कम परसेंटेज वालों का भी एडमिशन होगा। बट अगर मैं आपको मतलब सीट देने के इच्छुक होंगे तो आपको फिर एडमिशन की प्रोसेस करनी होगी, बट उसमें ओपन लेटर में आपका ना कॉलेज होगा और ना ही आपके कोर्स होंगे, ये मतलब आपको उसी कॉलेज में जाकर पता करना है जिसमें सीटें खाली हुई होंगी और आपको एडमिशन भी लेना है उसी में। जैसे कि मुझे BSc में एडमिशन लेना है, अब मैं अलग अलग दो कॉलेजों में गया, एक में थी एक में नहीं थी, तो मैं उसमें पूछूंगा
यानी अगर सीट खाली हुई तो फिर मैं अपना फॉर्म भरूंगा, अपने वही डॉक्यूमेंट लगाऊंगा। इसमें कॉलेज का नाम स्पेशली इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि आप किसी भी कॉलेज में जा सकते हो और किसी में भी कोई से भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। तो दोस्तों अभी तक के लिए यही न्यूज थी मेरे पास, जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगी मैं आपको बताऊँगा। यार आप इतने एक्साइटमेंट नहीं होया करो कि आप टाइम से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी देखो 8 तारीख में भी दिन बचे हुए हैं, 3 दिन बचे हुए, 8 तारीख के बाद फिर 20 तक रजिस्ट्रेशन होंगे और फिर ये सब प्रोसेस होगी, इसीलिए आप पहले ही पूछना शुरू कर देते हो। दोस्तों अपडेट जैसे ही यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट आती है मैं आपको सबसे पहले कन्फर्म करा देता हूँ, तो अब भी ऐसा ही करता हूँ मैं। दोस्तों जब भी मतलब ऐसी कोई अपडेट आएगी कि आगे की प्रोसेस क्या होगी मैं आपको कंफर्म करा, लेकिन उससे पहले आपके लिए यह एक कंडीशन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन कैसे जाएगी? आप चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में बेल आइकन है वो दबा देना, फिर से आपके पास जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो चली जाएगी और आपका मतलब एक तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ही करना। अभी के लिए मैं आपको ये कंफर्म कराने आया था कि आपका एडमिशन डेफिनेटली सबका होगा। दोस्तों अगर मैं बात करूँ 1,20,000 सीटें खाली पड़ी हैं, 2 लाख में से ओनली 80,000 सीटें भरी गई हैं, यानी कि अगर लगभग बात करूँ एक तिहाई से मतलब थोड़ा ज़्यादा है ये। तो दोस्तों अभी तो मतलब आधे से ज़्यादा सीटें खाली पड़ी है और ये तरीका न्यू निकाला है यूनिवर्सिटी ने आपके एडमिशन को लेकर। तो चलिए दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट आते मैं मिलता हूँ आपको अपनी वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको अपडेट कैसे जाएगी? इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है जब भी आपको नेक्स्ट अपडेट मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वंदे मातरम, जय हिंद।